नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। गांजे और नशीली पदार्थ के खिलाफ मुहिम जारी। इस बार गांजा पकड़ा गया एम्बुलेंस में। इन दिनों रीवा में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जोरदार मुहिम चल रही है। पुलिस की सक्रियता के चलते अवैध व्यापार करने वाले नए तरीके ढूंढ रहे हैं। उसी तरीके से रीवा के अधिकारी कर्मचारी भी आगे बढ़ते हुए इन कारोबारियों पर नकेल कस रहे हैं। इसी के चलते गांजे का अवैध व्यापार करने वाले तस्करों ने एक नया तरीका खोजा। इस बार उन्होंने मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस का सहारा लिया। गांजे के परिवहन के लिए एम्बुलेंस के अंदर लगभग 1.5 क्विंटल गांजा रखा गया, लेकिन इस बार पकड़ने के लिए पुलिस नहीं, वस्तु एवं सेवा कर वसूलने वाले विभाग, जिसे आम आदमी GST विभाग के नाम से जानता है, ने इस अवैध खेप को पकड़ा। हम आपको बता दें, वस्तु एवं सेवा कर विभाग समय समय पर सड़कों पर माल ढो रहे ट्रकों को चेक करता है, उनसे कागजात मांगता है, उन गाड़ियों में जो माल भरा होता है उनके बिल चेक करता है, कहीं कोई अवैध तरीके से माल का परिवहन नहीं कर रहा, इस बात पर ध्यान रखता है। इसी के चलते इस विभाग में एक एम्बुलेंस CG04LU5034 को शक के आधार पर रोका। जब उसका पिछला दरवाज़ा खोल के विभाग के लोग अंदर गए तो उसमें गांजा भरा हुआ था। यह कार्रवाई जगनाही टोल प्लाजा के पास की गई। इस बारे में हमने पुलिस अधीक्षक रीवा आबिद खान से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हम लोग से संपर्क किया था, कोई कार्रवाई नशे के जो मादक पदार्थ होते हैं उनके विरुद्ध करना चाह रहे थे, और उसमें उन्होंने हम लोगों से सपोर्ट मांगा था। हम लोगों ने उनको अपने यहाँ से सशस्त्र बल उपलब्ध कराया था। ऐसी जानकारी मिली है कि उनके द्वारा उसी क्रम में कोई एम्बुलेंस में कोई गांजा पकड़ा गया है। डिटेल्स तो मुझे मतलब मेरे पास नहीं है, उनके पास से मिल पाएंगे, लेकिन इतनी कार्रवाई उन लोगों द्वारा की गई और हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, ये आज गांजा आ रहा, आप लोगों ने पकड़ लिया, उससे बौखलाए लोग रोज गांजा किसी न किसी तरीके से ला रहे हैं, आज एम्बुलेंस लाए, तो क्या ये कार्रवाई चेकिंग के दौरान रुकेगी या फिर नाकों में? आप देखिए, हम लोग लगातार गांजे को लेकर के भी और कोरेक्स को लेकर के भी रीवा पुलिस सजग है। काफ़ी सारे हम लोग ने कार्रवाइयाँ की हैं, और बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही है कि जितनी भी इस तरह के हम लोग को अगर इनपुट्स मिलते हैं कि हाँ कोई गाड़ियों में गांजा या कोरेक्स लेके जा रहा है, उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे, चेकिंग के विरुद्ध भी करेंगे, और ऐसे अपन प्लान करके इन्फॉर्मर बेस्ड जो कार्रवाई होती है।